बड़ी सफलता की उम्मीद थी 21 साल की पूजा सिंघल से, जब वो भारत की सबसे जवान आईएएस ऑफिसर बनी। साल 2000 में नामचीन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इनकी इतनी कम उम्र में बेमिसाल उपलब्धियों का खास जिक्र भी किया था। वैसे सिंघल हमेशा टॉपर रही थी, अपने स्कूल दिनों से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जब 2002 में झारखंड के हजारीबाग की एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर थी, उन्होंने एक रेड की अगुवाई करके अपने हुनर का जोर दिखाया, जहां उनकी टीम सरकारी योजनाओं की किताबें जब्त करी जो गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही थी। तो ये होना ही था कि पूजा पदों की होड़ में तेजी से आगे दौड़ी, इतना कि वो झारखंड के 3 मुख्यमंत्रियों का भरोसेमंद हाथ बनी रही 10 साल तक, अर्जुन मुंडा, रघुबर दास और तब से मौजूदा हेमंत सोरेन। अब एक और रेड के लिए 5 मई 2022 को दिल्ली से ईडी की टीमें झारखंड की राजधानी रांची में चुपके से पहुंची। कुछ जीप में आए, कुछ कार में सवार होकर, कुछ स्कूल बस में और कोई मोटरसाइकिल पर अकेले। सब कुछ गुप्त रखा गया ताकि शक्तिशाली और रसूख वाले टारगेट को भनक न लग पाए। देर रात सारी टीमें एक साथ इकट्ठा हुई और प्लान को फाइनल किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, एक बड़े ऑफिसर का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। जैसे ही अगले दिन सूरज की किरणें निकली, खुफिया टीम आरोपी को ठिकाने लगाने निकली, पूरी सुरक्षा के साथ CRPF और CISF जवान समेत। ये सब होते हुए भी झारखंड प्रशासन और लोकल पुलिस को इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि कुछ बड़ा होने जा रहा, क्योंकि इस बार निशाना और कोई नहीं बल्कि खुद झारखंड की इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल थी। पूजा और उसके साथियों पर रेड करने के लिए एक बड़ा जाल 5 राज्य और 18 अलग अलग ठिकानों पर फैलाया गया। 3 सबसे बड़ी टीमें पहुंची पूजा सिंघल के बंगले पर, उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर। श्रीमती पूजा सिंघल, आपके घर की तलाशी लेनी है, हमारे पास वारंट है। हंटर वाली खुद बनी शिकार। ये पूजा जैसे महत्वाकांक्षी अफसर के लिए एक जोर का झटका था, जो जल्द से जल्द दौलत और ताकत कमाना चाहती थी। हालांकि शायद वो पहले ऐसी नहीं थी, एक ईमानदार अफसर थी, लेकिन लालच और भ्रष्ट सिस्टम के मोह ने उनकी नीयत बदल दी, क्योंकि उन पर पहला आरोप 5 साल की सर्विस करने के बाद लगी थी, 2007 में छत्रा की DM बनने के बाद, जहां उन्होंने मनरेगा मजदूर स्कीम के पैसे का झोल किया महज 1,43,00,000 रुपए का। जब किसी ने एतराज नहीं लिया तो हौसला बढ़ा और उसी मनरेगा फंड से इस बार 6 करोड़ की हेरा फेरी की, जब 2008-11 में खूंटी जिले में पोस्टेड हुई। शान पट्टी से वो अपने काले करतूत का रकम छिपाने के लिए 2 NGO फंड में पार्क किया। फाइल में ये दिखाकर कि इसे वो मूसली आयुर्वेदा का वायग्रा की खेती करेगी, लेकिन असल में फसल कभी हुई ही नहीं। 2012 के एक अलग कांड में झारखंड के विजिलेंस ब्यूरो ने पाया कि एक ठेकेदार विकास कार्यों को लगातार बेहद घटिया तरीके से हवाला कर रहा था। जांच करने पर वो बंदा राम प्रसाद सिन्हा राज्य सरकार में एक जूनियर इंजीनियर निकला, जो एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते कोई भी साइड बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन किसी तरह उसे मनरेगा की करोड़ों की रकम दी जा रही थी। ब्यूरो ने अपने ड्यूटी निभाते हुए उसके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, लेकिन कथित तौर पर भाजपा के 2014-19 रघुबर दास सरकार इस मामले को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान सिंघल को मीठे फलों जैसी शानदार पोस्टिंग का इनाम मिलता रहा, पहले 2014 में कृषि सेक्रेटरी के रूप में, फिर मोमेंटम झारखंड के लिए वो चीफ सेक्रेटरी का OSD बनी। झारखंड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खींच लेने का 2017 का ये प्रोजेक्ट। दरअसल जूनियर इंजीनियर के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के मामले के तुरंत बाद उन्हें 2012-13 में पलामू के घने जंगल इलाके का डेप्यूटी कमिश्नर बना दिया गया, एक एरिया जिसमें वो सालों तक अपना रौब जमाए रखी और खुद को एक खनन माफिया के रूप में बदला, वहाँ की सबसे बड़ी अथॉरिटी। समझो जैसे उसके हाथ में थी सबकी डोरी। वो दूर दराज के पाकुड़, दुमका और साहिबगंज के माइनिंग ऑफिसरों को नचाती थी अपने CA सुमन कुमार के जरिए, और ED के शिकंजे से दूर रहने के लिए सब व्हाट्सएप चैट में कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। 20 किलो की डिलीवरी हो गई, बाकी इस हफ्ते के एंड तक। बढ़िया,
हालांकि पूछताछ के दौरान ईडी ने इसकी सही मतलब निकाल ही लिया। ये 20 किलो क्या है? कुछ नहीं, उसे कुछ घी चाहिए था, मैंने भेजा। तेरे चचे की डेयरी है क्या साहिबगंज में? सच बता। मतलब 20 लाख किलो कोडवर्ड है। सिंगल ने भी बड़ी चतुराई दिखाई, अपने बावर्ची का सिम कार्ड खुद के आईफोन में डाली और उनके नंबर पर सीए से कॉल और मैसेज करती थी, जहां वो खनन के सौदे और उससे आई रकम के बारे में बताता, जबकि उनका अपना फोन साफ रहता। लेकिन वो तब मुसीबत में पड़ी जब सरकारी इजाजत के बिना उन्होंने 83 एकड़ आदिवासी जमीन एक लिमिटेड कंपनी उषा मार्टिन को खनन के लिए सौंपी रिश्वत के बदले। गुस्से से गांव वाले बड़े पैमाने पर धरना किए और वहां की कानून व्यवस्था लगभग बिगड़ने ही वाली थी। हालत संभालने के लिए पलामू के डिविजनल कमिश्नर एनके मिश्रा के अगुवाई में एक कमेटी बनानी पड़ी, जिसने मामले में जांच की। और अचरज की बात तो ये थी कि फैसले में सिंगल को करार दिया गया गुनहगार। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि 2010-13 की अर्जुन मुंडा भाजपा सरकार उन्हें बचाया एक और कमेटी बनाकर, जिसने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इन सब काले करतूत से इकट्ठे किए गए 25 करोड़ का धन सिंगल और उनके गुर्गों ने सोना खरीदा और साहिबगंज, झारखंड, भागलपुर, बिहार और कोलकाता तक गुप्त जगहों में छिपाया। 2019 में जब सरकार बदली और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने राजा का लगाम थामा, सिंगल उनके साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्रेटरी का इनाम मिला। बदले में सिंगल भी उनकी मदद करी पत्थर की खदान के लिए खनन पट्टा लाइसेंस पाने में। उनकी पार्टी के संरक्षण में सिंगल बांग्लादेश के साथ पत्थर के टुकड़े की तस्करी करने लगी गंगा नदी द्वारा माल भेजकर। ये गैर कानूनी नहीं, लेकिन उन्होंने इसे नकद पैसों में किया। 2021 में माफिया रानी ने फिर से बिना सरकारी मंजूरी के पचदुमुर और सुंदीपुर रेत घाटों का संचालन अपने चुने हुए ठेकेदारों को दिया। वो इतनी शानी निकली कि कथित तौर पर सभी पार्टी के विधायक उनके द्वारा बनाई 20 फर्जी कंपनियों में से एक के जरिए अपने 150 करोड़ रुपए तक का काला धन सफेद बनाया, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, रेस्टोरेंट और कई दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश करके। बदले में उन्होंने उसे संभाला ताकि काले धंधों के लिए वो पकड़ी न जाए। उनके पति अभिषेक झा को भी, जो प्राइवेट बैंकों से बड़े लोन मिले अस्पताल बनाने के लिए, सब सिंगल के कॉन्टैक्ट्स के जरिए थे जो अभी तक चुकाए नहीं गए। और जिन सप्लायर उस इमारत के निर्माण के लिए माल डाले थे, वो आज रोने के हालत में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी पेमेंट मिली ही नहीं। और जिस जमीन पर ये खड़ा किया गया, वो भी आदिवासियों के लिए आरक्षित होने की वजह से जांच के दायरे में है, क्योंकि उसे कानूनी तौर पर कोई और नहीं खरीद सकता। लेकिन वो इतनी शक्तिशाली थी कि कथित तौर पर उनसे 8 साल के सीनियर आईएएस ऑफिसर का तबादला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं कि ये सब कोई देख नहीं रहा था। झारखंड का विजिलेंस ब्यूरो 2012 से लगातार गुप्त रूप से अपना काम कर रहा था। इतने हटील रहे कि 16 एफआईआर और चार्जशीट फाइल की जूनियर इंजीनियर राम प्रसाद सिन्हा के खिलाफ मनरेगा फंड्स के हेराफेरी के लिए। उस पर दबाव बनाने में 8 साल लगे, जब तक कि इंजीनियर ने परेशान होकर सिंगल का राज नहीं खोला। उसने मुझे फंड्स दिलाए और 5% कट लिया। इसके बूते ईडी सिंगल की फाइल शुरू की और उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया, जिसके बल पर अब जाकर रेड हुई। रेड में सिंगल के घर की तलाशी में उन्हें एक सीक्रेट लाल डायरी मिली, लगभग वैसी ही जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन में थी, जिसमें मनी लॉन्डरिंग में शामिल नेता और अफसरों की सांठगांठ की जानकारी मिली। उनके पति के प्लस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तलाशी लेते वक्त ईडी ने उसे घेर लिया और किसी को भी बिना आईडी दिखाए अंदर आने या बाहर जाने से मना किया। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा करीबन 18 करोड़ रुपए मिले सीए सुमन कुमार के घर से, कुल 22.5 करोड़ नकद जब्त किए गए में से, जिसके गिनने में आप अंदाज लगा सकते लगभग पूरा दिन लग गया। पूछताछ के दौरान पहले तो सीए मुंह खोलने से आनाकानी किया, ये सब कहां से आया, किसका है? इतने कंपनी का सीए हूं, उसमें से होगा। अगले दिन उसकी 4 लग्जरी कारें भी जब्त करी गई और उसे भी गिरफ्तार किया गया। किसी दूसरी जगह पूजा सिंगल से 18 घंटे की कड़ी पूछताछ की गई 10 और 11 मई के 2 दिनों में। उन्होंने रेड में पाए गए बेहिसाब कैश से अपना पल्ला झाड़ा और उल्टा ईडी अफसरों को धमकाया।
Don't you know who I am, huh? This is my area and I'm very powerful. Nothing will happen. लेकिन बहुत कुछ हुआ। वो झारखंड में गिरफ्तार होने वाली पहली सेवारत आईएएस ऑफिसर बनी, जिस अपमान के बाद राज्य सरकार भी उन्हें सस्पेंड कर दिया। दिसंबर 2022 में ईडी ने जब्त किया उनके पति का अस्पताल, उसका डायग्नोस्टिक सेंटर और दो जमीन के टुकड़े, जिनकी कुल 82 करोड़ कीमत थी। हालांकि उनके सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सिंगल के पास मिल जुलाकर सिर्फ 2.2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। संयोग की बात है कि ठीक एक साल बाद मई 2023 में, जब पूजा तब भी सलाखों के पीछे थी, छवि रंजन झाड़कड़ के एक अन्य आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया, सेना के 4.5 एकड़ जमीन के एक अलग फ्रॉड के आरोप में। माना जाता है कि रंजन भी सिंगल से मिला हुआ था और उसने उनके पति के अस्पताल की जमीने के गैर कानूनी दस्तावेजों को छिपाने में मदद की। पूजा की कहानी हमें बुकिया चंद्रकला की याद दिलाती है, यूपी की दबंग आईएएस ऑफिसर जो भ्रष्ट नेताओं से भिड़ने के लिए मशहूर थी, क्योंकि वो भी एक खनन सिंडिकेट से जुड़ी निकली, जो कथित तौर पर 2019 के समाजवादी पार्टी विधायक रमेश मिश्रा चला रहे थे। जबकि हमारी पिछली कहानी अंडरकवर रेड्स पार्ट 1 थी, जिसमें दिखाया गया कैसे हमारी एजेंसियां चुपचाप छोटे शहरों में काला धन की तलाश कर रही, ये उसी श्रृंखला का अगला भाग है और इसमें कम से कम दो और भाग होंगे। एक में हम देखेंगे कैसे यूपी के परफ्यूम बादशाह पीयूष जैन को गिराया गया, और फिर पार्था चटर्जी की कहानी बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री। वैसे पूजा सिंगल संवेदना से भरी एक प्रतिभाशाली ऑफिसर थी। उन्होंने ही सबसे पहले विकलांग लोगों को सरकारी योजनाओं के फंड से मदद करवाई। फिर रांची सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर पद पर रहते उन्होंने इसे आधुनिक बनाकर वहां का काम कुशलता से चलाया। ऐसी अफसर थी जो महिलाओं की तरक्की का सोचा करती थी, और वो अपनी विधवा माँ का पुनर्विवाह करने के लिए अपने परिवार के खिलाफ भी गई। उन्होंने खुद 2 बार शादी की, पहले साथी आईएएस ऑफिसर राहुल पुरवार से और फिर अभिषेक झा जब वो कोई नहीं था। ये एक संजीदा सवाल है कि फिर वो कैसे बन गई लालच की इतनी बड़ी राक्षस। ऐसे समय में जब इस साल महिलाओं ने सिविल सर्विसेज में टॉप 4 रैंक हासिल की है, और एक सिविल सर्वेंट बनना साधारण मिडिल क्लास युवा के लिए एक सपना होता है, तो उन लोगों पर पूजा सिंगल का उदाहरण कितना नुकसान पहुंचाया होगा। बिस्बो की शायरी। दौलत और ताकत की करती थी पूजा, लेकिन वो सपना अब रह गया अधूरा। तरीका भी रखता है महत्व कोई, अब वो दोनों पैसे और इज्जत को खोई। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।